डायरेक्शन भी किया है मेरे साथ में ध्रुव चंद और शक्ति, हम तीनों लोगों ने मिलकर इसको किया है। और ये बहुत पहले क्योंकि लखनऊ में हम लोग लखनऊ से हैं तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट हमारे दिमाग में ऐसा आया कि जो आजकल कंडीशंस हैं, जो चीज़ें हैं, वो अगर ऐसी ही रहीं तो आने वाला फ्यूचर क्या होगा। अगर इसको हम नहीं ठीक करते हैं तो हमारा फ्यूचर ब्लैक हो जाएगा। तो ये सोच के इसका टाइटल रखा और इस पर शुरुआत की और धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई, बढ़ती गई और इस तरह हमारी फिल्म जो है तैयार हुई। लेकिन सर प्रोमो देख के लग रहा है जैसे कि लड़कियाँ अगर ना हो, औरतें ना हो, ऐसी कहानी है। वो मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन वही बात है जो प्रोमो देख के लग रहा है कि जिस तरह से आजकल लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है, औरतों के साथ अत्याचार हो रहा है, भ्रूण हत्या हो रही है, कन्या भ्रूण हत्या हो रही है, अगर यही कंडीशन रही तो आज से 100-200 साल के बाद आने वाले कल में लड़कियां नहीं बचेंगी। और ये हमारे ख्याल से एक ऐसी फिल्म है कि इसमें रिजल्ट दिखाया गया है, परिणाम दिखाया गया है कि अगर लड़कियां नहीं बची तो क्या होगा। एक बात मैं और कहना चाहूँगी, बहुत पहले कुदरत जो है, जो जिसमें कहा है ट्रेलर में कहा है कुदरत के नियम, नेचर के जो नियम है, अगर उनको फॉलो नहीं करते, उनके खिलाफ जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं आगे उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जैसे बहुत पहले करोड़ों साल पहले डायनासोर जो बना था, कुदरत ने बनाया उसे, जब उसे लगा कि वो भारी हो गया है, धरती पे भारी हो गया है, उसको हटाना ज़रूरी है, तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि कुदरत को या गॉड को ये लगने लगा है कि सबसे डायनासोर से भी ज़्यादा भारी इंसान हो गया है। आदमी इतना भारी हो गया है कि जब वो खाने पीने की चीज़ों में मिलावट कर रहा है, जब वो दवाओं में मिलावट कर रहा है, जब आदमी आदमी को मार रहा है, तो हमारे ख्याल से हमारा जो फ्यूचर है वो ब्लैक ही है। और जो फिल्म का लुक है, टाइटल लगा है ब्लैक फ्यूचर का, वजह कुछ खास ब्लैक फ्यूचर में बता रहा हूँ ना कि फ्यूचर जो कंडीशन आज हैं दुनिया की, अगर यही कंडीशन रही तो हमारा फ्यूचर ब्लैक ही, अगर हम नहीं समझे तो फ्यूचर हमारा ब्लैक ही होगा। और इंटरनेशनल और जो इंडियन लुक के साथ बनाया गया फिल्म स्क्रीन रिलीज, आपने क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देने की कोशिश की गई और कितना डिफिकल्ट था आपको स्क्रीन रिलीज करना, क्योंकि ये देखिए स्क्रीन प्ले ऐसी चीज़ है कि हम पहले से देख लें कि हमें पर्दे पर दिखाना क्या है, तो वो सोचते हुए कि हमारा क्या किस तरह से स्क्रीन प्ले तैयार किया जाए कि हमारा जो मैसेज है वो इंडियन रहे, लेकिन उसका ट्रीटमेंट जो है वो वेस्टर्न हो, इस तरह का हो कि वो हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हर जगह पर जो है उसको अप्रिशिएट किया जाए, ये कोशिश में करते। एक खास बात और भी है, अगर आप ध्यान देंगे तो इस फिल्म का म्यूज़िक बहुत खूबसूरत है, इसके गाने जो है क्लिक होंगे और एक अच्छा इंटरटेनमेंट जो है मैसेज के साथ, ये हमारी कोशिश रही। सर मेरा नाम विंसेंट लॉरेंस है, मैंने एक शराबी एकदम डेस्परेट आदमी का मैंने रोल किया है, क्योंकि ये जो स्टोरी है गुड एंड बैड, ईविल एंड गुड, ईविल सोचता मैं फनफूबा और गुड वहाँ पर प्रार्थना करके अच्छा ही मांग रहा है, लड़की मांग रहा है, लड़की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गर्ल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बताया है इसमें, तो ये चीज़ पूरे दुनिया के लिए मैसेज है। तो ये आगे के लिए मेरे हिसाब से यही ब्लैक फ्यूचर को वाइट फ्यूचर लाने के लिए, वो जो महात्मा है उस फिल्म में वो प्रार्थना करता है और परमेश्वर, आप पिक्चर देखिए तो पता चल जाएगा फायर वे इट विल गेट ऑल द क्रेडिट्स। So once we are in the news, automatically we'll be approached and we are ready for that. We are open for that. Yeah. In the film, it's multiple languages. Kya baat hai? Kya faida hoga? Multiple language film mein toh zyada viewership milega. Iski koshish ho rahi hai. Koshish ho rahi hai ki aur bhi languages mein jaye. Jitna zyada logon ka message jayega, utni achhi baat hai. तीन डायरेक्टर देखिए होता ही है कि कभी कभी हम आपको बताएं, हम आपस के लोगों के साथ न्याय नहीं करते हैं, कि हम तीनों ने साथ में मिलके इसको इसका बीज बोया और साथ में मिलके इसको किया है, स्क्रीन प्ले भी किया और साथ में डायरेक्शन भी हम लोग का, डायरेक्शन सिर्फ वहाँ से शुरू नहीं होता है, यहाँ से फिल्म मेकिंग शुरू होती है, डायरेक्शन का काम शुरू हो जाता है स्क्रिप्ट राइटिंग से, वहाँ से हम लोग जुड़े आगे करते रहे, क्योंकि जब आपके ब्रेन मिल रहे हो आप जो है सोचने का
काफी लोग सोचते होंगे दो म्यूजिक डायरेक्टर कैसे हो सकते हैं या दो राइटर डायरेक्टर कैसे। मैं बताऊँ थिएटर से जुड़ा हूँ, मैं थिएटर में भी हम हैं और हमारा एक दोस्त है, हम लोग मिलकर जो है प्ले करते हैं, दो डायरेक्टर्स करते हैं। तो यहाँ पर भी जैसे हम हैं, ध्रुव हैं, ध्रुव के दिमाग ध्रुव हैं, सत्य हैं, हम लोग शुरू से इससे जुड़े हैं। तो हमने कहा ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, ये सारी चीज़ें पार्ट ऑफ मेकिंग है, ये सब होती हैं, लेकिन ये हावी नहीं होनी चाहिए। हम या तो कन्विंस बोलें या कन्विंस कर दें, यहाँ पर यह है वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप हमसे बोलो कि ये चीज़ ऐसी है, हम मान लें, अगर ऐसी लग रही है नहीं लग रही तो हम कर नहीं सारी जो कन्विंस कर लें, तो ये अगर बात है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। हाँ शायद कोई भी कोई एग्जाम्पल है, म्यूजिक डायरेक्टर्स हमारे, अब आप ये देखिए म्यूजिक डायरेक्टर्स जो भी जोड़ियाँ टूटी हैं जो नहीं रहे हैं तो अकेला जो है, क्योंकि अगर आपका ब्रेन आपस में मिला तो एक और एक 11 हो जाते हैं, एक दो नहीं होते हैं। तो अगर आप एक और एक 11 होते हैं तो एक और एक एक 3 बार मिलकर 111 भी हो सकते हैं। We are trying to do to the maximum level, you know, as per multiplex and singles we have. Trailer देखो बहुत अच्छा है और next month release है और आप देखिए कि इसका response भी अच्छा आएगा। कब तक release कर रहे हैं? ये next month होगा। देखिए एक मैसेज है, आप लोगों ने देखा कि इस तरीके से मतलब कोई आ रहा है, मतलब अभी जो ये थोड़ा लीक से हट के, तो उस हिसाब से चाहते हैं कुछ अच्छा मैसेज है, सब कुछ बनाया। तो सारी यूनिट बॉलीवुड से प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, कॉम्बिनेशन क्या है? नहीं, कुछ कुछ कहानी ऐसा होता है कि आपको हॉलीवुड को भी लेना पड़ता है, बॉलीवुड को कभी कभी ऐसा है कि कुछ रीजनल आर्टिस्ट भी लेके आपको हॉलीवुड बॉलीवुड बनाना पड़ता है, तो उस हिसाब से स्टोरी के हिसाब से वैसा बनाया गया। बहुत बहुत अस्वस्थ हूँ और पिक्चर बहुत अच्छी चलेगी क्योंकि लीक से हट के है और पिक्चर अच्छी बनी है और सारे दर्शक लोग को पसंद भी आएंगे। मैं एज ए EP वीरेन कुमार लोन नाम है, मैं एज ए EP इसमें, और फिल्म बड़ी कठिनाइयों से हम लोग बनाया, सतना डिस्ट्रिक्ट में जाके शूट किया और डे नाइट शूट करते थे हम लोग, जंगलों में शूट करते थे जहाँ पे तब डकैतों का आतंक था, दो तीन बार तो हम लोग को डकैतों ने पकड़ लिया और गिरफ्तार भी किया हमको, सारी यूनिट निकल गई थी, मैं ही था अकेले, और बड़ी परेशानियों से पिक्चर बनी। लड़कियाँ ना हो तो क्या होगा, यही कुछ सिखाया पहले कुछ? ये भ्रूण हत्या जो हो रही है, अगर ये ऐसे ही कंटिन्यू चलता जाएगा तो कल विश्व में ऐसा हो जाएगा कि औरत लड़के नाम की चीज ही नहीं रहेगी। ये पिक्चर के माध्यम से हमारे डायरेक्टर ने प्रोड्यूसर ने जो भी बताया है यही बताया है कि भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए, और जो महात्मा बताया है वो महात्मा उसकी हत्या करता है, जो विलन है हमारे उसकी, तो ये जो है फ्यूचर ब्लैक फ्यूचर है, लेकिन ये वाइट फ्यूचर के बारे में सोचता है ये एक पिक्चर के माध्यम से। इस टाइप की फिल्म मुझे रिलीज करना और प्रोड्यूस करना अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी क्या आपको उम्मीद है कि दर्शक कितना ज़्यादा इस फिल्म को पसंद करेंगे और क्यों करेंगे अगर करेंगे तो? देखो, मैंने इस फिल्म को वैसे भी रिलीज करने के लिए तो मैंने ए क्लास सेंटर के लिए सोचा ही नहीं है, बी और सी क्लास सेंटर के लिए सोचा है, तो उस हिसाब से फिल्म अच्छी जाएगी। और काफ़ी लैंग्वेज में इसको रिलीज करने वाले हैं हिंदी के अलावा? नहीं, ब्लैक फ्यूचर तो अभी हिंदी में ही रिलीज करने वाले हैं। हाँ, अगर हिंदी में अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो हम फिर उसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में डब भी कर सकते हैं। विषय काफ़ी गंभीर है, मतलब अगर औरतें ना हो तो क्या होगा, ये विषय दिया है। देखो सर, इसी वजह से ही ये फिल्म लेने का भी रीज़न ये है, क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट होने की वजह से मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ, क्योंकि कॉमन फिल्में तो डेली आते रहती हैं और हम लोग रिलीज़ करते रहते हैं और रिस्पांस कुछ नहीं मिलता, ना ऑडियंस देखती है, फिल्में फ्लॉप होती हैं और प्रोड्यूसर लॉस में जाते हैं, तो दर्शकों तक हम इस टाइप की कुछ अलग कहानियाँ हम पेश करें ताकि ऑडियंस को पसंद आए, ऑडियंस देखे फिल्में। सर, वैसे तो प्लान ऑल इंडिया का है, लेकिन पहले फर्स्ट हमारा है कि मेन बॉम्बे हमको टारगेट है, बॉम्बे और प्लस हमारा दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, ईस्ट पंजाब है, हमारा CPCI राजस्थान है, ये पहले हम लोग टारगेट करेंगे सर। बाकी वेस्ट बंगाल हो गया हमारा, जैसे आसाम हो गया, उड़ीसा हो गया, इसे हम बाद में टारगेट करेंगे, अभी नहीं। स्टारकास्ट की बात करें, कौन से स्टारकास्ट हैं, क्या अनुभव है उनका, उनके बारे में बताइए। देखो सर, सब इसमें थिएटर आर्टिस्ट है एक्चुअल में, और मैं सोचता हूँ कि थिएटर आर्टिस्ट को भी चांस मिलना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि जब तक वो थिएटर तक होता है तो अच्छी बात है, लेकिन जब बॉलीवुड में एंट्री हो जाए तो और भी अच्छी बात हो जाती है।
आपसे हम सर आप बताइए परिचय जो बताइए कैसे जुड़े सर मैं तो बराज जी के एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है सतरंगी उसके साथ जुड़ा हूँ तो उन्होंने कहा कि एक मेरी मूवी आ रही है ब्लैक फ्यूचर तो मैं इनकी शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर आया हूँ और मैं काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है ट्रेलर से सो आई विश देम और हमारे टीम के मेंबर ही है क्योंकि मैं सतरंगी में मैं भी को प्रोड्यूसर हूँ उसमें तो हमारी एक ही टीम है विकास जी है रोडीज विनर हैं अभी बिग बॉस में भी जा रहे हैं और हमारे पिक्चर के प्रमोशन के लिए और अभी जो ये सतरंगी फिल्म बना रहे हैं उसके मेन लीड हीरो हैं तो और भी क्या कहना चाहेंगे जितने फिल्म आपने प्रोड्यूस किया या डिस्ट्रीब्यूट किया है तो ये कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए क्योंकि आजकल फिल्में बनाना आसान हो गया है लेकिन रिलीज करना बहुत मुश्किल है काफ़ी फिल्में आज देखोगे तो आप बहुत फिल्में डब्बे में पड़ी हुई है जो रिलीज़ नहीं हो पाती है क्योंकि फिल्में रिलीज़ करना बहुत बड़ी बात है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है तीन लोग हैं तीन पार्टनर्स हैं ताकि उनको इस फिल्म में लॉस ना हो ताकि वो आगे भी फिल्में बनाएं नहीं तो क्या होता है कि आजकल फिल्में लोग बनाते हैं वन टाइम एक बार फिल्में बन जाती है उसके बाद में फिर इंडस्ट्री से आउट हो जाते हैं क्योंकि फिल्में सक्सेस नहीं हो पाती या तो फिर प्रॉपर रिलीज़ नहीं होती है या तो फिर रिलीज़ होने के बाद में ऑडियंस को पसंद नहीं आती कि या तो कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं होता है पांडे है मैं राइटर हूँ और मैं ब्लैक फ्यूचर की पूरी टीम को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ इसमें बहुत मेहनत हुई है एक अलग तरह का सब्जेक्ट है और हमारे देश की जनता इसे पसंद करेगी इसका मुझे पूरा विश्वास है मैं हमारी टीम के मेन जो मेंबर हैं राज वर्मा जी धनंजय गिलानी जी ध्रुव सिंह जी और डायरेक्टर शिशिर सिंह जी को मैं शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हो इससे जुड़े सभी लोगों को एक अच्छी सफलता मिले नाम मिले धन्यवाद सर आपसे मैं मनीष के पी यादव डायरेक्टर हूँ अपकमिंग राज वर्मा का एंड कंपनी का अपकमिंग फिल्म सतरंगी का डायरेक्टर हूँ और अभी ट्रेलर देखा बहुत अच्छी है और मैं शुभकामनाएं देता हूँ पूरा टीम देता हूँ पूरा टीम को और आगे चल के और हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं और भी आगे की प्लानिंग है